गुड मॉर्निंग मित्रों मित्रों, सवेरे सवेरे मैं पार्क में आ गया हूँ और कल ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। उस 1000 सब्सक्राइबर को मैं नाच के सेलिब्रेट भी कर चुका हूँ और आज मैं एक नए विषय पे आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रात को सोने के पहले क्या करना चाहिए, तो आज मैं बता रहा हूँ कि सवेरे उठने के बाद क्या करना चाहिए। तो मैं अब घूमते घूमते आपसे बातें कर रहा हूँ और साथ में आप गार्डन के दर्शन भी करेंगे। तो सवेरे सवेरे उठने के पहले, जैसे ही हमारी नींद खुले, हम बिस्तर पर पड़े पड़े ही उस परम पिता परमेश्वर को याद करें, उस परम पिता परमेश्वर को याद करें और उसे सवेरे सवेरे नमस्कार कहें, प्रणाम कहें, गुड मॉर्निंग कहें, या आपकी भाषा में जो भी आप कह सकते हैं वह कहें। क्योंकि हमें सबसे पहले अगर अपने आप का नाता किसी से जोड़ना है तो उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ना है जिसके हम अंश हैं। क्योंकि आखिर हम हैं तो आत्मा ही, और आत्मा ने शरीर का कपड़ा पहना है, तो हम आत्मा हैं और हम किसके अंश हैं? परमात्मा। तो जब हम परमात्मा के अंश हैं तो हमारा पिता कौन हुआ? परमात्मा हुआ। उस परमात्मा को याद करने से परमात्मा की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। तो सवेरे सवेरे उठ के पहला आदत हमें क्या करना है? हमें उस परमात्मा को नमस्कार करना है, गुड मॉर्निंग करना है, और उसके बाद हमें उसी परमात्मा को धन्यवाद कहना है और कहना है, परमात्मा कल तक मेरे जीवन में सब कुछ तुमने अच्छा किया है और आज से मुझे सवेरे सवेरे फिर मुझे उठाया है, मतलब मुझे आज जीने का फिर मौका दिया है। धन्यवाद प्रभु, तूने ये जो जीवन दिया है इसको मैं सार्थक करूँगा। प्रभु आज से, आज के दिन फिर से एक नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम रोज़ नया जीवन पाते हैं और हम रोज़ प्रभु को धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि लाखों लोग रात को सोते हैं और उसमें से हजारों लोग सवेरे उठ नहीं पाते। तो प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब हम आँखें खोलें तो अपने दोनों हथेलियों को रगड़ के अपने चेहरे पर घुमाएं। अपने चेहरे पर घुमाने के बाद अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र ग्रंथों में ये कहा गया है कि कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, कर मतलब हाथ, इसी कर से, इसी हाथ से हम कुछ सब कुछ कर्म करते हैं और इसे पाते हैं। और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कराग्रे वस्ती लक्ष्मी मतलब हमारे जो हथेली है इसके आगे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती कृष्ण विद्या की देवी सरस्वती, और कर मूले गोविंदम मतलब कि नारायण विष्णु भगवान का वास है, और इनके हमको प्रभात का दर्शन करना चाहिए। और जिससे हमारे कर्म के सिद्धांत पर हमारा विश्वास अटल होता है। और फिर जब हम बिस्तर से उठें तो पहले दोनों हाथ उठाकर जमीन को छूते हुए, जमीन को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए हम जमीन पर पैर दें। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी है, वह इसी जमीन में से निकला हुआ है। और हम जो कुछ भी कपड़े पहनते हैं, चाहे खाना खाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं, वह हमें इसी सब जमीन से मिलता है। तो सवेरे सवेरे हम इस जमीन को प्रणाम करके तब उठते हैं। और उठने के बाद बहुत से लोगों को पहले पहले उठ के मोबाइल हाथ में लेने की आदत है। तो दोस्तों, सवेरे सवेरे मोबाइल को हाथ मत लगाइए, उसमें से समाचार और मैसेज मत पढ़िए, जिससे आपके अंदर बहुत से निगेटिव बातें घुस जाती हैं। और उठने के बाद चाय तो बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि चाय पीने से हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ती है, हमारी हाजमा शक्ति ख़राब होती है और हमें चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुझे चाय पिए बिना फुर्ती नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी आप उठ के सवेरे सवेरे अगर 5-6 ग्लास गर्म पानी पीते हैं, 5-6 ना पी पाएँ तो 2-3 पीजिए, उसमें गर्म पानी में नींबू डाल लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा मोटापे की समस्या है तो थोड़ा सा शहद भी डाल लीजिए, और पी के थोड़ा सा अगर आप पहलेंगे तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा। अगर आपको लेना ही है सवेरे तो नारियल का पानी लें या एश गॉर्ड जूस लें, जिसे को सफ़ेद पेठा कहते हैं। सफ़ेद पेठा जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए
बहुत ही अच्छा होता है। सफ़ेद पेठा जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन अगर आपको मिले तो सफ़ेद पेठे का जूस पीजिए। फिर उसके बाद आप टहलने निकलिए। टहलना ज़रूरी है। अगर आप योगासन करते हैं आप योगासन कीजिए, अगर आप जिम जाते हैं जिम जाइए, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सबसे आराम का है चलना। फिर हमारे कुछ दोस्तों को या हमारी उम्र वालों का कहना है कि हमारे घुटने में दर्द होता है, अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो आप सिर्फ जगह पे ही ऊपर नीचे हो लीजिए, घंटा आधा घंटा जगह पे ऊपर नीचे हो लीजिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे बगल में पार्क नहीं है, आप घर के अंदर ही चल जाइए, जो बेस्ट पॉसिबल जितनी जगह है, 10 फीट 5 फीट 4 फीट उतनी ही जगह में आगे पीछे होते हुए घूमिए। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं हम जगह पे भी नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, तो मित्रों आपके लिए सलाह है कि आप स्टेशनरी साइकिल लाइए, उस स्टेशनरी साइकिल को चलाइए। उसको चलाने से क्या होगा कि आपके शरीर का वजन घुटने पे नहीं पड़ेगा और आपका घुटने का दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आप हिम्मत करके आज 2 मिनट चलिए, कल 3 मिनट चलिए, कल 4 मिनट चलिए, ऐसे आधा घंटा से 45 मिनट अगर आप चलते हैं तो आपका सवेरा बहुत अच्छा जाएगा और आप दिन भर खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। सवेरे घूम टहल के आने के बाद आप स्नान कीजिए, स्नान के बाद सीधे आप खाने मत बैठिए। आप परमेश्वर के आपके घर में जो भी मंदिर बना है, जो भी फोटो है, जो भी मूर्ति है, या आपकी पूजा पद्धति जो है, वहाँ जाइए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को देखिए और अपने समझने की कोशिश कीजिए। और आप जो भी होना चाहते हैं उसको ऑटो सजेशन दीजिए। ज़िंदगी में आप जो बनना चाहते हैं उसको मान लीजिए कि मैं वह बन चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि आप गायक बनना चाहते हैं, अच्छा गाते हैं, तो आप कहिए कि मैं अच्छा गायक हूँ और मैं अच्छा गाता हूँ। आपका मस्तिष्क इस चीज़ पर विश्वास कर लेगा और आप गाने लगेंगे। ये अगर आपको धन चाहते हैं तो आप कहिए कि मैं धनवान हूँ। अगर आप सुख चाहते हैं तो कहिए मैं सुखी हूँ। अगर आप शांति चाहते हैं तो कहिए मेरे अंदर शांति कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि शांति सुख खुशी आनंद ज्ञान ये सब हमारे आत्मा के गुण हैं और ये गुण हम सब में हैं, लेकिन इस गुण पर कोई मैल चढ़ी हुई है, बस हमें याद करने की ज़रूरत है। तो सवेरे सवेरे हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें नाश्ता करने आना है। नाश्ता सवेरे का अच्छा जम के आप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को मोटापा की समस्या है, जिन लोगों को अपना वज़न नहीं बढ़ाना है और जिनको विटामिन की ज़रूरत है, वे स्प्राउटेड अन्न अगर खाएँ, अंकुरित दालें या अन्य चीज़ें खाएँ तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे फलों का सेवन भी करना चाहिए, अगर आप जूस पीते हैं तो जूस भी पीना चाहिए, और तब इसके बाद आपको अपने काम पे निकलना चाहिए। तो दोस्तों सवेरे सवेरे ये सब काम बहुत ज़रूरी है। एक समरी फिर से आपको मैं बता दूँ, उससे ही आपको परमेश्वर को याद करना है, फिर अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करना है और फिर ज़मीन को प्रणाम करना है, उसके बाद गर्म पानी पीनी है, और गर्म पानी पीने के बाद अगर आप शौच क्रिया कर लीजिए, शौच क्रिया के बाद आप घूमने निकल जाइए। घूमना या व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जब तक हर जोड़ संधि फ्री नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं करेंगे। तो वहाँ से आने के बाद आपको स्नान करना है, स्नान करने के बाद आपको ध्यान करना है, ध्यान करने के बाद हल्का और हेल्दी नाश्ता करना है, स्प्राउटेड अन्न खाना है, फ्रूट खाना है, और पूरे दिन की तैयारी खुशी खुशी करना है। तो धन्यवाद मित्रों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगला वीडियो फिर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद जय महाराष्ट्र।